अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रानिश और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद रानिश। दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्टून नेटवर्क के एक और पुराने और फेमस कार्टून के बारे में जिसका नाम है पिंक पैंथर। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी इस आज की वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें। दोस्तों अब हम वापस आएंगे अपने आज के टॉपिक द पिंक पैंथर कार्टून के ऊपर। दोस्तों ये कार्टून बेसिकली एक कॉमेडी कार्टून सीरीज है। अगर मैं इस कार्टून की स्टोरी की बात करूं तो पिंक पैंथर एक पिंक से कलर का पैंथर कह सकते हैं हम। दोस्तों पैंथर का तो आप लोगों को पता ही होगा कि लेपर्ड की एक किस्म है, लेकिन हम वापस अपने कार्टून के ऊपर आएंगे। दोस्तों अगर पिंक पैंथर कार्टून सीरीज का किसी और कार्टून सीरीज के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए तो मिस्टर बीन की एनिमेटेड कार्टून सीरीज एक बेस्ट सीरीज है, क्योंकि इन दोनों के अंदर काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। बहरहाल दोस्तों मिस्टर बीन कार्टून के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अब हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पिंक पैंथर कार्टून के ऊपर। दोस्तों इस कार्टून के अंदर कॉमेडी के अलावा जो एक और अमेजिंग चीज है वो इस कार्टून का बैकग्राउंड म्यूजिक है। दोस्तों जब भी पिंक पैंथर कोई ना कोई फनी मूव परफॉर्म करने लगते थे तो बैकग्राउंड के ऊपर ये डिटेक्टिव वाला म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता था। खैर दोस्तों ये तो हो गया पिंक पैंथर कार्टून का एक छोटा सा रिव्यू, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि आखिर पिंक पैंथर कार्टून को स्टार्ट कब किया गया। दोस्तों पिंक पैंथर कार्टून को 1993 के अंदर स्टार्ट किया गया था और इसका पहला एपिसोड 11 सितंबर 1993 को रिलीज किया गया था। दोस्तों इस कार्टून के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और इस कार्टून के ऊपर बहुत सी मूवीज और मुख्तलिफ कार्टून सीरीज भी बन चुकी है, लेकिन अगर हम द पिंक पैंथर कार्टून की बात करें तो इसके सिर्फ 3 ही सीजन आए हैं और इसका आखिरी एपिसोड 1996 में रिलीज किया गया था। दोस्तों अगर मैं पिंक पैंथर कार्टून की आईएमडीबी रेटिंग की बात करूं तो आईएमडीबी रेटिंग के अंदर पिंक पैंथर कार्टून ने 10 में से 6.9 की रेटिंग हासिल की है, और अगर मैं tv.com की रेटिंग की बात करूं तो इसमें पिंक पैंथर ने 10 में से 9.1 की रेटिंग हासिल की है अभी तक। दोस्तों अभी तक इस कार्टून के और जो दीगर सीजन्स या शोज़ रिलीज़ किए गए हैं उनमें से एक का नाम है द पिंक पैंथर शो, पिंक पैंथर एंड सन्स, और भी दीगर इस कार्टून से रिलेटेड शोज़ रिलीज़ किए जा चुके हैं। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी किसी वीडियो के हवाले से या किसी कार्टून के हवाले से कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर लाजमी एक वीडियो बना दूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों से एक और चीज़ भी डिस्कस करनी थी कि मैं फ्यूचर के अंदर सोच रहा हूँ कि एक ऐसी सीरीज़ शुरू करूँ जिस तरह की मैंने इस चैनल के आगाज़ में स्टार्ट की थी, जहाँ मैंने ब्रूस ली और फिर उनके बेटे ब्रैंडन ली और फिर हीट लेजर के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बनाई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर मैं इसी से रिलेटेड और एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करूँ। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस इस चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।